महाराष्ट्र की युवती ने अजमेर के टैक्सी चालक पर लगाया दुष्कर्म का झूठा मुकदमा, पुलिस जुटी अनुसंधान में। दरगाह में जियारत करने आई युवती ने कोतवाली थाना पुलिस को टैक्सी चालक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। युवती ने युवक से रुपए के लेन देन को लेकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की बात को पुलिस के सामने कबूल किया। कोतवाली प्रभारी शमशेर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र के रहने वाली युवती ने थाने पर उपस्थित होकर अजमेर के रहने वाले टैक्सी चालक बंटी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। जब महिला से पूछताछ की गई तो महिला ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। महिला ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि दरगाह जियारत करने के लिए आई है, बंटी को अपने परिचित के जरिए जानती है। इसी दौरान उसने बंटी को कुछ पैसे दिए और फिर बंटी ने उन पैसों को कुछ दिनों में लौटाने की बात कही, लेकिन बंटी ने वह पैसे नहीं लौटाए, जिस पर महिला को गुस्सा आया तो महिला ने कोतवाली थाने में पेश होकर बंटी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। साथ ही जब पुलिस ने महिला का मेडिकल कराना चाहा तो महिला ने मेडिकल कराने से मना कर दिया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच पड़ताल में जुटी है। कल शाम को पूजा लोकेश थाने की रहने वाली युवती है जो यहाँ रुकी हुई थी 4 तारीख से, वो आई, उसने एक रिपोर्ट दी। वो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, उसने बताया जिसको हमने लिखा कि कोई बंटी नाम का व्यक्ति है जिसने उसके साथ बलात्कार किया है। उसकी रिपोर्ट अनुसार हमने प्रकरण दर्ज किया, अनुसंधान आरम्भ किया। उसके बाद उसका ये कहना है कि सर मैं, मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, नहीं इस तरह की कोई घटना हुई है। मैंने बंटी को 12,000 रुपये दिए थे, उसको लौटा नहीं रहा था। मेरे ट्रेन का टिकट करा रखा था, मुझे जाना था, उससे मेरे पूरे दिन बात नहीं हुई, तो उसमें गुस्से में आकर मैंने इस तरह की रिपोर्ट दी। इसका मेडिकल भी हमने कराया था, उसने उसके लिए भी इनकार कर दिया। अभी तक इसने यही बयान दिया है कि मेरे साथ कोई घटना कारित नहीं है, मैंने गुस्से में आकर रिपोर्ट दे दी थी। बंटी से मुलाकात किस तरह से हुई इसकी? बंटी इसका कोई एक मित्र है, उसके रेफरेंस से ये आके रुकी थी। बंटी इसको लेके बस स्टैंड से लेके इसको होटल में रोका, 2-1 दिन इसके साथ जियारत वगैरह अजमेर में कराई। उसके बाद इसका एक कहना है कल इसका बंटी से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ, इसलिए इसने पैसे इसके उसी के पास थे और इसको होटल से चेकआउट भी करना था, उस वजह से पैसे नहीं होने के कारण इसमें गुस्से में आके ये दर्ज कराना ये कहती है। दरगाह जियारत करना है थी कुछ? दरगाह जियारत करना है।